चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी से जानते हैं कि हमने इंग्लिश स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसका लेक्चर 1 आ चुका है, लेक्चर 2 आ चुका है, आज हम लेकर आ चुके हैं लेक्चर 3, जहाँ पे हम ये लेक्चर की समाप्ति करेंगे दोस्तों, यानी हम जो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था आपके मटेरियल सोर्सेज वाले में और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखी थी, राइट। अब ये लेक्चर में हम क्या देखने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिटन सोर्सेज एज वेल एज द ओरल सोर्सेज एंड द ऑडियो विजुअल सोर्सेज एंड फिल्म्स एंड रिकॉर्डिंग्स, राइट। अब यहाँ पे अब बात करेंगे इन्फॉर्मेशन। अब न्यूज़पेपर, सबसे पहले न्यूज़पेपर की बात करता हूँ, ठीक है। अब न्यूज़पेपर क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या करता है, हमें करंट अफेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, यानी डे टू डे लाइफ में पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें हो रही, कहाँ टेररिज्म है, कहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, कहाँ पे इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है किसकी वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से, सही बात है। तो पहला पॉइंट ये लिखा है, द न्यूज़पेपर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स। और साथ ही साथ अगर कोई टेररिज्म हो रहा है, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे वॉर कर रही है, तो उसका एक डिटेल एनालिसिस भी मिलता है हमें, हाँ या ना, कि बताया जाता है कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मेन रीजन क्या था, अब जब लड़ाई हुई तो उसकी वजह से क्या हो गया, तो क्या सारी चीजें घटी, ये सारी चीजें हमें क्या, हमें न्यूज़पेपर के इन्फॉर्मेशन से मिलती है, जिसमें एक पार्ट होता है एडिटोरियल वाला पार्ट होता है, जहाँ पे जो ऑथर्स होते हैं वो डिटेल में सारी चीजें समझाते हुए लिखते हैं। इतनी चीजें क्लियर होगी। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इससे पहले कुछ इवेंट्स हुए थे या इससे रिलेटेड, इससे बाद कुछ इवेंट्स होने की संभावना है क्या, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है, ये आपका डिटेल एनालिसिस। अब मैं अगर प्री इंडिपेंडेंस की पीरियड की बात करूँ, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ऑलरेडी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इस साल हम पढ़ने वाले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी ए स्टैंडर्ड में आजादी मिलने से पहले हमारा क्या सारे इवेंट्स हुए थे आजादी को लेकर, ये हम क्या समझने वाले, ठीक है। और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बात करूं तो दयानंद एक न्यूज़पेपर था, फिर ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, ऐसे करके बहुत सारे क्या न्यूज़पेपर हुआ करते थे। अब इन्हीं न्यूज़पेपर से हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पे क्या सारे जो इवेंट्स हुए थे वो परफॉर्म किए गए थे, क्या इफेक्ट्स हुए थे उसके, कब लड़ाई हुई थी, कब झगड़ा हुआ था, कौन जेल में गया था, कितने दिन के लिए गया था, कितने साल के लिए गया था, ये सारी चीजें हमें वहीं पे इंफॉर्मेशन में पता चलती। हमारे मूवमेंट जो हुए थे उस मूवमेंट में किसने कंट्रीब्यूट किया था, किसने लीड किया था मूवमेंट, ये सारी चीज अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन रेफर द न्यूज़पेपर व्हिच वर पब्लिश ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अब यहाँ पे साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कौन सी ब्रिटिश की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी और उसी ब्रिटिश पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की वजह से उसका इफेक्ट क्या हुआ था आम जनता के ऊपर, ये भी हमें समझने को किससे मिलता है, हमारे न्यूज़पेपर से ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जैसे न्यूज़पेपर, जैसे निबंध माला विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जी ने लिखी थी, फिर उसके सातापत्र ये किसने लिखे थे, लोखटिया वाड़ी ने लिखी थी। अब इनसे हमें पता चलता है कि क्या सारे इफेक्ट्स हुए थे, क्या सारी चीजें परफॉर्म की गई थी, समझ में आ रहा है, ये हमें क्या पता चलती है, ये बेसिकली एक वीकलीज है जो लिखी गई थी हमारे इन ऑथर्स के द्वारा। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है, न्यूज़पेपर अभी भी है, पहले भी हुआ करते थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हम पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड में, समझ में आ गया, न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा एक मेजर इंपैक्ट प्ले करता है। अब यहाँ पे मैप्स एंड ड्राइंग्स की बात करूँ तो मैप्स एंड ड्राइंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्ले करता है। कैसे प्ले करता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोईसर में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैं बोईसर में रहता हूँ। अब बोईसर 10-15 साल पहले कैसे था या फिर 30 साल पहले, इसी तक अगर मुझे जानना है तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब आप बोलोगे कि सर फोटोग्राफ्स है वो सारी चीज है, लेकिन जो मैप्स होते हैं वो ज्यादा बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हैं। कैसे, अब मुझे ये तो पता है दिखता कैसे था, लेकिन मुझे ये कैसे पता है कि ये रास्ता पहले कहाँ जाता था, अब ये रास्ता कहाँ जाने लगा है, ये सारी चीजें मुझे कहाँ से पता है, मुझे मैप से पता चलेगी दोस्तों, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर बात करूं जैसे गिरी ट्यूटोर्स 15 साल पहले कैसे दिखता था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, अगर मुझे क्लास नंबर 1 में जाना है, क्लास नंबर 2 में जाना है, क्लास नंबर 3 में जाना है, क्लास नंबर 4 में जाना है, तो वहां पे जाने के लिए रास्ते क्या है, यही। या फिर मैं अगर बात करूं बॉम्बे पोर्ट की बात करूं तो बॉम्बे पोर्ट पहले कैसे हुआ करता था, किस तरह से दिखा करता था, उसका स्ट्रक्चर किस तरह था, ये सारी चीजें मुझे किससे पता चलेगी, आपके मैप से पता चलेगी। तो देखो मैप एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, समझ में आ गया। अब जो सर्वे ऑफ इंडिया का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, किस चीज का, मैप्स का है, किसका है दोस्तों, मैप्स का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो आपका। फिर उसके बाद जो प्लान डिजाइन किया जाता है किसके द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा, और आर्किटेक्चर के हेल्प की मदद से ही हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर किस तरह का डिजाइन बनाया करते थे, किस तरह से सोचा करते थे, किस तरह से सारी चीजें समझा करते थे और डिजाइन किया करते थे। अगर मैं बात करूं आपके प्री इंडिपेंडेंस की, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो डिजाइन था वो किस तरह से बनाया जाता था, स्ट्रक्चर कैसे हुए करते थे घर के, बिल्डिंग्स के जो रूम्स हुआ करते थे उनके दरवाजे किस तरह से हुआ करते थे, लाइब्रेरी किस तरह से, खुफिया दरवाजे किस तरह से बनाए थे, ये सारी चीजें अगर मुझे समझनी है तो मुझे क्या आपके मैप्स एंड ड्रॉइंग्स का रेफर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं ओरल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज ऑलरेडी हमने देखा है कि जो चीजें मुंह से बोली जाती है या फिर ओरली बोली जाती है उसको हम लोग ओरल सोर्सेज बोलते हैं। सबसे पहले आता है इंस्पिरेशनल सॉन्ग। अब बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या कंपोज किए गए थे, पब्लिश किए थे, कुछ अनपब्लिश भी किए गए थे, समझ में आया, कुछ पब्लिकेशन कुछ अनपब्लिश, जो लोगों में एक मोटिवेशन दिलाता था, लोगों को इवेंट्स के बारे में याद दिलाता था, समझ में आया। अब जैसे मैं बात करूं, अब बहुत सारे जो आपके इंस्पिरेशनल सॉन्ग थे वो रिटर्न फॉर्म में थे, कैसे थे, रिटर्न फॉर्म में थे, लिखे हुए थे, तो हमें आज हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। और वो कैसे थे, जो रिटर्न फॉर्म में थे वो पब्लिश सॉन्ग थे, वो क्या पब्लिश, जो लोगों को आसानी से पता है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग थे, ऐसे बहुत सारे गाने जो अनपब्लिश थे, जो लोग बहुत सारे लोगों को पता नहीं लेकिन कुछ लोगों को पता, और वो हमें क्या करती है, हमें पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, पर्टिकुलर जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में याद दिलाती, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके सेक्रीफाइस के बारे में हमें याद दिलाती रहती है दोस्तों। और इसी इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या सारे स्ट्रगल, किस बंदे ने, किस इंडिविजुअल ने कितना एफर्ट लिया था हमें आजादी ने, क्या सेक्रीफाइस किया था, किस तरीके फैमिली से दूर रह के वो सत्याग्रह मार्च, दांडी मार्च, ये सारी चीजें क्या परफॉर्म किया करते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से परफॉर्म हुआ था, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती, हमें हमारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग से पता चलती है दोस्तों। इतनी चीजें, यदि यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते जा रहे तो यहाँ आप लिखते जाओ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं पोवाड़ा, बेसिकली पोवाड़ा भी क्या करता है, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट सेक्शन में कि एक बिरहा होता है नॉर्थ साइड में, फोक सॉन्ग है, तो वो क्या करते हैं इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में क्या जो पोवाड़ा है, पोवाड़ा भी एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग भी माना जाता है और साथ ही साथ वो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बताता है। अब जो पोवाड़ा जो कंपोज हुई थी आपके, बहुत सारे पोवाड़ा जो कंपोज हुई थी कभी आपके जो स्ट्रगल था 1857 का जो स्ट्रगल था, इंडिया से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857, इसके स्ट्रगल पे बहुत सारे पोवाड़ा जो क्या कंपोज की गई थी। अब कंपोज करने के बाद जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता था और एक स्पिरिट मिलती थी कि अपने देश के प्रति लड़ने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए, देश के लिए मर मिट जाने के लिए। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमें इन्फॉर्मेशन क्या देती थी, उनका जो काम हुआ करता था, यानी जो कॉन्ट्रीब्यूशन, जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने की थी अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, अपने देश की, अपनी मातृभूमि के लिए, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती थी, हमें दोस्तों पोवाड़ा से पता चलती थी। और बहुत सारे जो महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट थे वो आपके किससे, पोवाड़ा से क्या इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या पार्ट लिया था, अपनी हिस्सेदारी दी थी दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, आपका वीडियो आपको पता है, ऑडियो पता है और ऑडियो विजुअल पता है। वीडियो मतलब जो चीज आप देखते हो, ऑडियो मतलब जो चीज आप सुनते हो, और ऑडियो विजुअल मतलब देखते भी हो सुनते भी हो, तो हम लोग ऑडियो विजुअल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं 20th सेंचुरी था वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट था, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था, तो इस वजह से अब धीरे धीरे क्या चीजें बदल लगी थी, हमारा जो सोर्सेस था वो इंक्रीज होने लगा था। पहले हम रिटर्न सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस ही टिके हुए थे, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से जो चीजें से और भी ज्यादा क्या इंक्रीज होने लगी थी। अब जैसे बहुत सारी चीजें डेवलप, स्किल डेवलप हो गया था, आर्ट ऑफ फोटोग्राफी डेवलप हो रहा था, रिकॉर्ड्स, फिल्म, ये सारी चीजें क्या डेवलप होते जा रही, तो इससे हमें बहुत ज्यादा क्या फायदा हुआ। आप कैसे फायदा हुआ आगे हम एक एक करके समझने वाले। जैसे मैं बात करूं अब फोटोग्राफ्स में, अब फोटोग्राफ्स आप सभी को जानते हो, फोटोग्राफ क्या होते, क्लिक किए जाते। अब क्लिक करने से कोई मूवमेंट हो तो उसको फोटो क्लिक कर लिया, जैसे सत्याग्रह का कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो क्लिक कर दिया, कोई स्पीच दे रहा तो उसको क्लिक कर दिया, तो इससे बेसिकली हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। इससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है कि उस टाइम पे जो शेप किस तरह से था, जो भी इंडिविजुअल था उसका शेप क्या था, वो स्ट्रक्चर क्या था, वो किस तरह से दिखते थे, वो हमें क्या एक आइडिया मिल जाता है। अब हालांकि अगर मैं बात करूं तो इससे पहले पेंटिंग्स बनाए जाते थे, लेकिन पेंटिंग्स उतनी रिलायबल नहीं है, हो सकता था ड्रॉइंग करते टाइम थोड़ा सा इधर उधर हाथ हो गया, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर चेंज होता था, अलग फर्क दिखने लगता था, समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन फोटोग्राफ में क्या एज इट इज, अगर जैसे मेरा कोई फोटो निकालेगा तो मैं एज इट इज दिखाऊंगा, उसमें कुछ बदला दिखेगा नहीं दिखेगा, समझ में आएगा। तो पेंटिंग से मुकाबले क्या जो आपके फोटोग्राफ थी मोर रिलायबल थी मेडिवल पीरियड में, क्या पेंटिंग्स क्या रिलायबल थी। इतनी चीजें अभी हमें समझने में हेल्प करता है, कैसे मैंने ऑलरेडी बताया जो नेचर था, स्ट्रक्चर था, ऑब्जेक्ट का वो किस तरह था, ये हमें समझने में क्या बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके रिकॉर्डिंग्स की। रिकॉर्डिंग क्या है,
बेसिकली ये फॉर्म है, एक ऑडियो का फॉर्म है. जैसे अगर आप मेरी वॉइस रिकॉर्ड करो, मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे थे, वॉइस तो वो एक ऑडियो हो गया. जैसे गाना सुनते हो MP3 सुनते हो ना, तो वो आपका ऑडियो होगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे आप जैसे स्पीचेस हो गए, स्पीच दिए जाते थे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल है. फिर उन्होंने जो मैसेज दिया होगा हमारे जो बोलते हैं ना एक्टिविस्ट थे, वो पता चलता है. कॉल रिकॉर्डिंग्स जो होती होंगी, जो एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा, ये सारी चीजें हमें पता चल, और किस तरह से उन्होंने हमारे एक्टिविस्ट को इंस्पायर किया, ये सारी चीजें हमें क्या अवेलेबल है हमारे पास, किसके फॉर्म में, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल है. अब लास्ट क्या दोस्तों, फिल्म एक बहुत ही ज्यादा यूनिक डिस्कवरी हो गई थी. क्यों, इससे पहले कभी फिल्म बनाया नहीं गया था, नाटक हुआ करता था लेकिन फिल्म बनाया नहीं गया था. तो एक बहुत बड़ी यूनिक डिस्कवरी हो गई थी 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ. एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, ग्रेट डेवलपमेंट था, ठीक है, फिल्म का. अब दादा साहब फाल्के ने क्या किया था 1930 में, जो फाउंडेशन था हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वो रखा था, ठीक है. अब अगर मैं बात करूं तो जैसे स्पीचेस हो गए आपके सुभाष चंद्र बोस के, जवाहरलाल नेहरू जी के, हमारे महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये सारी के हमारे पास क्या ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के भी हमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, ऑडियो मिल जाएगा, विजुअल मिल जाएगा. तो बहुत सारी चीजें मिली पड़ी हुई है जो हम जिससे हम रेफर कर सकते. तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में अगर जाना तो क्या सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही साथ आई होप आपको सारी चीजें. अब ये सारे सोर्सेज जब हम पढ़ रहे तो हमें इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी, ये सच में सही है क्या, इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं, सारी चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी. तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज समझ में, अगर समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक लेकर सुरक्षित अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों.